और भाई लोग, क्या हालचाल है? कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द बुक दैट सेव द अर्थ, एक ऐसे किताब के बारे में जिसने यार हमारे पृथ्वी को मंगल ग्रह के लोगों से बचा लिया। क्योंकि यार जो मंगल ग्रह के लोग हैं, जो मार्स के लोग हैं यार, वो हमारे पृथ्वी पर अटैक करने वाले थे और हमारे पृथ्वी को अपने कब्जे में करने वाले थे। लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी पे आते हैं तो वो यार एक सीधा म्यूजियम में लैंड करते हैं और वहां पर उनको एक बुक मिलती है, एक किताब मिलती है, जिसको पढ़ने के बाद वो इतना घबरा जाते हैं, वो इतना डर जाते हैं कि यार वो पृथ्वी को छोड़ के तुरंत से ही भाग जाते हैं। उस बुक को पढ़ने के बाद उन लोगों को एहसास हो जाता है कि पृथ्वीवासी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, पृथ्वी के लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, तो इनसे लड़ना तो यार हमारे बस की बात नहीं है। तो बेटा यहाँ से भाग लो, वरना पृथ्वीवासी तुमको चुन चुन के मारेंगे। और डर के मारे यार फट्टू लोग भाग जाते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में तुम्हें यही बताया गया है कि कैसे वो लोग आते हैं और पृथ्वी पर क्या क्या करते हैं, और कैसे उनको एहसास हो जाता है कि यार ये पृथ्वीवासी जो है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, कैसे वो उस बुक को ढूंढते हैं, कैसे पढ़ते हैं। ये सारी चीजें यार तुम्हें इस चैप्टर में समझाई गई है, और ये सारी चीजें यार हिस्टोरियन बताती है। हिस्टोरियन कौन है? दरअसल ये एक फ्यूचर की कहानी है। तो 25वीं शताब्दी में एक हिस्टोरियन होती है जो कि यार 20वीं शताब्दी में घटी हुई घटनाओं को वो एक प्रोजेक्ट पर, एक मूवी प्रोजेक्ट पर दिखाती है। वो फ्यूचर के लोगों को पास्ट के बारे में बता रही है कि 2040 में कैसे मंगलवासी आए थे और पृथ्वी पर अटैक करने वाले थे, लेकिन डर के मारे वो भाग गए। तो क्या कहते हो भाई लोग, कहानी को शुरू किया जाए? भाई बहुत मजा आ रहा है, कर दे। तो चलो यार कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें सारे कैरेक्टर के बारे में बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं। पूरा नाम यार तुम्हें स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। तो सबसे पहला है यार थिंक टैंक, दूसरा है नूडल, तीसरा है ओमेगा, चौथा है आयोटा और पांचवा है ऊप। और ये सारे के सारे यार मार्शियन है, यानी कि मार्स पर रहने वाले लोग। जो मंगल ग्रह पर रहते हैं उन लोगों को यार मार्शियन कहा जाता है। समय 25वीं शताब्दी, जगह प्राचीन इतिहास का एक म्यूजियम, पृथ्वी की 20वीं शताब्दी का विभाग। इतिहासकार पर रोशनी पड़ती है जो कि दाएं तरफ एक टेबल पर बैठी होती है। उसी टेबल के ऊपर एक मूवी प्रोजेक्टर होता है और बगल में एक बोर्ड होता है जिस पर लिखा होता है प्राचीन इतिहास का म्यूजियम, पृथ्वी की 20वीं शताब्दी का विभाग। वो इतिहासकार खड़ी होती है और दर्शकों के सामने झुकते हुए कहती है, गुड आफ्टरनून, प्राचीन इतिहास के म्यूजियम और हमारे विभाग में आपका स्वागत है, जो कि पृथ्वी की 20वीं शताब्दी की अच्छी पुरानी चीजों को खोज करता है। 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग कहा जाता था, जहां हर चीज के लिए पुस्तक होती थी, छोटी से छोटी चीज के लिए और बड़ी से बड़ी चीज के लिए। पुस्तक हमें कैसे, कब, कहां और क्यों की शिक्षा देती थी। वो उदाहरण और तस्वीरों से भरी होती थी और सजावटी भी होती थी। लेकिन सबसे विचित्र बात तो यह है कि एक पुस्तक ने हमारे पृथ्वी को बचा लिया। क्या आपको 2040 के मंगल ग्रह के आक्रमण के बारे में पता है? चिंता नहीं कीजिए, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल वो आक्रमण कभी हुआ ही नहीं। अब आप पूछेंगे कि वो किताब कौन सी थी, वो कौन सी किताब थी जिसने हमारे पृथ्वी को मंगल ग्रह के वासियों से बचा लिया। क्या वो किताब कोई रॉकेट या मिसाइल के बारे में थी, या फिर बाहरी अंतरिक्ष से कोई गोपनीय मदद लेने के बारे में थी? जी नहीं, वो किताब न तो रॉकेट के बारे में थी, न मिसाइल के बारे में थी, और न ही अंतरिक्ष से मदद लेने के बारे में थी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि 2040 में क्या हुआ और वो किताब कौन सी थी। हिस्टोरियन यार टेबल पर रखे हुए मूवी प्रोजेक्ट की तरफ इशारा करती है और उन लोगों को दिखाती है कि कैसे 2040 में मंगल ग्रहवासी आए और क्या क्या हुआ हमारे पृथ्वी पर। ये सारी चीजें वो दिखाती है और वही चीजें मैं तुम्हें अब एक्सप्लेन करूंगा। रोशनी यार इतिहासकार पर से हटती है और सीधा थिंक टैंक के ऊपर पड़ती है। थिंक टैंक जो कि यार मंगल ग्रह का वासी है, उसका शेप यार एक अंडे के जैसा है और उसने एक लंबा चोगा पहन रखा है। नूडल जो कि उसके लिए काम करता है, उसी के बगल में एक विशाल स्विच बोर्ड के पास खड़ा है। मार्स स्पेस कंट्रोल, विशाल और महान थिंक टैंक सेनापति आ रहे हैं। नूडल जो कि यार थिंक टैंक के लिए काम करता है, वो कहता है, ओ विशाल और महान थिंक टैंक, समुच्चय ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और समझदार प्राणी, आपका क्या आदेश है? थिंक टैंक यार चिड़चिड़ेपन से कहता है, ए मूर्ख नूडल, तुमने मुझे सही ढंग से सलाम नहीं किया है, फिर से सलाम करो। नूडल बेचारा यार फिर से सलाम करता है, ओ विशाल और महान थिंक टैंक, मंगल और उसके दो चंद्रमाओं के शासक, समुच्चय ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और कुशग्र बुद्धिमान प्राणी, आपका क्या आदेश है? हाँ ये अच्छा था नूडल, अब सुनो, मेरी इच्छा है कि हमारे मानव युक्त अंतरिक्ष से संपर्क कायम किया जाए और उन्हें उस मजाकिए छोटे से ग्रह का खोज करने के लिए कहा जाए जिस पर हम कब्जा करने जा रहे हैं। इसे क्या कहते हैं, दोबारा बताना, मैं नाम भूल चुका हूँ। पृथ्वी महाराज, उस छोटे से ग्रह को पृथ्वी कहते हैं। हाँ पृथ्वी, तुम जानते हो कि वह ग्रह हमारे लिए उतना भी महत्व नहीं रखता है जितना कि हमारा दर्पण। तो मेरा दर्पण कहाँ है, लेके आओ, मैं अपने दर्पण से सलाह लेना चाहता हूँ। थिंक टैंक ने पृथ्वी को इनसिग्निफिकेंट इसलिए कहा है क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि पृथ्वी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। दर्पण को यार इंग्लिश में मिरर कहते हैं, तो तुम ज्यादा कन्फ्यूज मत होना। तो अब नूडल कहता है कि हाँ सर बिल्कुल, मैं आपका वो मिरर लेके आता हूँ। थिंक टैंक उस मिरर को अपने हाथ में लेता है और पूछता है, धरती पर सबसे अधिक प्रतिभावान और बुद्धिजीव कौन है?
थोड़ी देर रुकने के बाद मंच के पीछे से आवाज आती है, आप सर। थिंक टैंक खुशी के मारे फूल जाता है और अपने मिरर को चूमता है और कहता है, दर्पण जल्दी से आप मुझे अगला उत्तर दो, क्योंकि मैं एक धीमे दर्पण से नफरत करता हूँ। अच्छा, तो मैं हूँ वहाँ का सबसे बुद्धिजीव व्यक्ति। क्या हम मंगलवासी सुंदर प्रजाति नहीं है? उन पृथ्वी के भद्दे छोटे सिर वाले लोगों से अधिक आकर्षक नहीं है? नूडल, तुम अपने दिमाग की कसरत जारी रखो, एक दिन तुम्हारा दिमाग मेरे दिमाग की तरह एक गुब्बारे जैसा बन जाएगा। थिंक टैंक का सर बहुत ज्यादा बड़ा था, इसलिए उसको ऐसा लगता था कि सबसे बुद्धिमान और सबसे इंटेलिजेंट इंसान वही है, और इसलिए वो नूडल को भी कहता है कि तुम अपना दिमाग चलाते रहो और एक दिन तुम्हारा भी दिमाग मेरे दिमाग जैसा बड़ा हो जाएगा। लेकिन इस घोंचू को ये नहीं पता है कि सर बड़ा हो जाने से बुद्धि बड़ी नहीं हो जाती है। बुड़बक कहीं के बरका को माथा हो गया तो बहुत बुद्धिमान हो गया। तो बेचारा नूडल यार क्या ही कहता, वो कहता है, हाँ शक्तिशाली थिंक टैंक, मैं भी यही आशा करता हूँ। चलो जाओ और अंतरिक्ष खोज से संपर्क करो, मैं दोपहर के भोजन से पहले उस प्राचीन मिट्टी पर हमला करना चाहता हूँ, मतलब कि पृथ्वी पर हमला करना चाहता हूँ। हाँ सर बिल्कुल, मैं यही करूँगा। नूडल लीवर को एडजस्ट करने लगता है जो कि यार स्विच बोर्ड पे बने होते हैं, और उसमें से यार एक बिप की आवाज़ सुनाई देती है, मतलब वो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि यार कोई मिल गया मैं ऋतिक रोशन जो वो टून नहीं बजाता है, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तो वैसा ही कुछ साउंड यार यहाँ पर भी आ रहा होगा। कुछ समय बाद मार्स स्पेस कंट्रोल और सेंट्रबिली पब्लिक लाइब्रेरी। कैप्टन ओमेगा लाइब्रेरी के बीचों बीच खड़ी है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो दराज को खोल रही है और बंद कर रही है। लेफ्टिनेंट आयोटा ऊपर एक किताबों की अलमारी में पुस्तकों को गिन रही है। सर्जेंट ओप जो कि दाएं तरफ खड़े हैं, वो एक पुस्तक को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, पन्नों को पलट रहे हैं, ऊपर नीचे हिला डुला रहे हैं। मतलब कि उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ है। उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये जो बुक है ये क्या है, क्योंकि यार वो एलियन है और पृथ्वी पर पहली बार आए हैं, तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ है। उनके लिए बिल्कुल ही अनजान है ये सारी चीज़ें, और इसीलिए वो तीनों इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये है क्या यार, ये कौन सी बला है। फिर नूडल थिंक टैंक से कहता है कि मैंने अंतरिक्ष के चालक दल से संपर्क कर लिया है और मैंने उनको काफ़ी करीब से देखा है सर। बहुत अच्छे, बात करने की कोशिश करो। नूडल एक माइक्रोफोन में बोलता है, मार्स स्पेस कंट्रोल खोज एक के चालक दल को बुला रहा है, अंदर आओ कप्तान ओमेगा और हमें तुम्हारी स्थिति बताओ। ओमेगा एक डिस्क में बोलता है जो कि यार उसके गर्दन में लगे हुए होते हैं, जैसे पीके फिल्म में एक रॉकेट होता है ना यार आमिर खान के पास, वैसा यार कुछ डिस्क जो है ओमेगा के पास भी है, तो उसमें वो बोलता है, कैप्टन ओमेगा मार्स स्पेस कंट्रोल से बात कर रही है, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप और मैं बिना किसी घटना के पृथ्वी पर आ गए हैं, हमने इस कमरे में पनाह ली है। वो यार एक कमरे की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, क्या आपको कोई आइडिया है लेफ्टिनेंट आयोटा कि हम कहां पर है? लेफ्टिनेंट आयोटा एक किताब को उठाते हुए कहती है, मैं इसे नहीं देख पा रही हूं, मैं इस प्रकार की 2000 आइटम को गिन चुकी हूं, ऐसा लगता है कि यह जगह कोई गोदाम है। आप क्या सोचते हैं सर्जेंट ऊप? मुझे कोई अंदाजा नहीं है, मैं 7 गैलेक्सीज को घूम चुका हूं लेकिन इस प्रकार की कोई भी वस्तु मैंने नहीं देखी, शायद यह कोई टोपी है। सर्जेंट ऊप यह किताब को खोलकर अपने सर के ऊपर रख लेता है, उसको लगता है कि यार ये एक टोपी है। उन पागलों को यह नहीं पता है कि यह एक किताब है। ओमेगा कहती है, शायद विशाल और महान थिंक टैंक हमें इसके बारे में बता सकते हैं। फिर यह थिंक टैंक बोलता है, सबसे पहले मेरी प्यारी ओमेगा, एक वस्तु को थोड़ा सा ऊपर उठाओ ताकि मैं इसे बहुत ही नज़दीक से देख सकूं। ओमेगा एक किताब को अपने हथेली पर उठाती है और कैमरे से उसे दिखाने की कोशिश करती है। मैं अब जान चुका हूं, चूंकि धरती के प्राणी हमेशा खाते रहते हैं, इसीलिए जिस जगह पर तुम लोग हो वह निसंदेह कोई जलपान घर है, मतलब कि खाने पीने की जगह है। ओमेगा यार आयोटा और रूप को इन्फॉर्म करती है, कहती है, सुनो महान थिंक टैंक कह रहे हैं कि ये कोई खाने पीने की जगह है। ऊप कहता है, ठीक है, हो सकता है कि धरती वालों की एक अजीब तरह की खुराक होगी। उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो जो लाइब्रेरी है वो एक खाने पीने की जगह है, इसीलिए ऊप कहता है कि धरतीवासी जो हैं, जो पृथ्वी के लोग हैं, उन्हें यार अजीब ढंग के खाने पीने का शौक होगा। फिर थिंक टैंक कहता है, ये जो वस्तु तुम्हारे हाथ में है ये एक सैंडविच है। ओमेगा और आयोटा भी यार हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ ये एक सैंडविच है, सुना तुमने, ये एक सैंडविच है। फिर थिंक टैंक आगे बताता है, सैंडविच पृथ्वी पर एक मुख्य भोजन है, इसे पास से देखो, इसमें दो परतें ब्रेड कही जाने वाली चीज़ है और बीच में भरे जाने वाले कुछ पदार्थ हैं। बुक के जो ऊपर और नीचे के दोनों लेयर जो है यार मोटे मोटे वाले, उसको यार ये लोग ब्रेड बोल रहे हैं, और बीच में जो पतले पतले शीट्स हैं यार, उसको ये लोग कुछ पदार्थ बोल रहे हैं जो कि यार सैंडविच में भरा जाता है। सैंडविच भी कुछ इसी ढंग का दिखता है, ऊपर से और नीचे से यार पाव होते हैं और बीच में यार मटेरियल भरा रहता है। मतलब इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है कि ये क्या है, तो ये लोग यार गेस कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ हो सकती है, और थिंक टैंक यार अपने आप को महान समझता है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, ये सैंडविच है। ओमेगा यार एकदम चौंकते हुए कहती है, हाँ सर बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। थिंक टैंक कहता है, अपने विचार की पुष्टि के लिए मैं तुम्हें इसे खाने का आदेश देता हूँ। ओमेगा कहती है, क्या इसे खाना है? क्या तुम्हें महान थिंक टैंक पर कोई डाउट है? ओह नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, किंतु लेफ्टिनेंट आयोटा ने अपना नाश्ता भी नहीं किया है। लेफ्टिनेंट आयोटा, मैं तुम्हें इस सैंडविच को खाने का आदेश देती हूँ। अब बेचारा यार आयोटा फंस गया, क्या इसे खाना है?
ओह कप्तान, आप भी ना। सैंडविच खाने वाला प्रथम मंगलवासी बनना यह बड़े सम्मान की बात है, किंतु मैं इतना अभद्र कैसे हो सकता हूँ कि मेरे सर्जेंट के होते हुए मैं खा लूँ। सर्जेंट उप, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ इस सैंडविच को शीघ्र ही खा लो। मतलब यार कोई भी खाना नहीं चाह रहा और एक दूसरे को टाल रहे हैं। आयोटा ओमेगा को देती है, ओमेगा यार फिर उप को दे देती है और आखिरी में बेचारा उप फंस जाता है। उप कहता है, कौन लेफ्टिनेंट, मैं खाऊं? तो आयोटा और ओमेगा दोनों एक साथ बोलते हैं, मंगल ग्रह की शान के लिए उप, खा लीजिए। हाँ जरूर, क्यों नहीं। वह तुरंत ही किताब का एक कोना काटता है और उसे चबाते हुए खाने की एक्टिंग करता है, और उस समय उसका चेहरा यार देखने लायक था, एकदम अजीब सा चेहरा बना रहा था वो। बुक को कैसे खा गए यार ये लोग, सबके सब एक पर एक पागल है भाई। ओमेगा और आयोटा यार सहानुभूति दिखा रहे थे, कोई बात नहीं उप, कोई बात नहीं, मंगल ग्रह की शान हो बेटा तुम, शाबाश बेटा शाबाश। थिंक टैंक पूछता है, क्या वो स्वादिष्ट नहीं था सर्जेंट उप? नहीं सर, बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। मैं नहीं जानता कि पृथ्वीवासी कैसे इस सैंडविच को बिना पानी के निगल जाते हैं, इतना सूखा सूखा है ये, मानो मंगल का रेत खा रहा हूं मैं। फिर नूडल थिंक टैंक को यार पीछे से कहता है, ओ विशाल और महान थिंक टैंक, मैं क्षमा चाहता हूं, किंतु उन सैंडविच के बारे में मेरा एक तुच्छ सा विचार आया है। थिंक टैंक कहता है, इसका कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम अपना विचार हमें बताओ, तुम्हारा तुच्छ सा विचार हमें बताओ। थिंक टैंक ने यार नूडल पर टोन मारता है, जैसे कोई क्लास का टॉपर बंदा टोन नहीं मारता है कि अबे मेरे से तो बन नहीं रहा और तू बना देगा, हैं? तेरे में इतनी हिम्मत है कि तू बना देगा इस क्वेश्चन को? मतलब कुछ इसी ढंग से टोन मार रहा था नूडल को। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैंने उन सैंडविचों के बारे में कुछ फिल्में देखी हैं। मैंने महसूस किया है कि पृथ्वीवासी उसे खाते नहीं, बल्कि उसे एक संचार यंत्र के रूप में प्रयोग करते हैं। नूडल ये कहना चाह रहा है कि जिसे आप सैंडविच कह रहे हो वो कोई सैंडविच नहीं बल्कि एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। फिर थिंक टैंक कहता है, हाँ हाँ मुझे भी यही लग रहा था, ये एक संचार सैंडविच है। थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता, कौन कभी गलत नहीं होता, इसीलिए मैं तुम्हें इसे सुनने का आदेश देता हूँ ओमेगा। ओमेगा आयोटा और उप से कहती है कि उसे सुनो। आयोटा और ओमेगा यार एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और कहते हैं, उन्हें सुनना है? थिंक टैंक यार पूरे गुस्से में कहता है, तुम्हारे कानों में कंचे डले हैं क्या? मैंने कहा उसे सुनो। ओमेगा कहती है, सर सर हो जाएगा सर, क्यों गुस्सा कर रहे हो आप खामखा। आयोटा और उप वो दोनों ही यार किताब लेते हैं और अपने कानों में लगाकर उसे सुनने लगते हैं। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया सर्जेंट उप? नहीं कुछ भी नहीं, मुझे तो लगता है ये बुढ़ा पकड़ा गया है। ध्यान से सुनो। थिंक टैंक कहता है, ठीक है अब मुझे रिपोर्ट करो कि तुमने क्या सुना। ओमेगा कहती है, कुछ नहीं सर, शायद हम सही फ्रिक्वेंसी में नहीं हैं। आयोटा कहती है, कुछ नहीं सर, शायद पृथ्वी वालों के कान थोड़े तीखे हैं। पीछे से उप कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया सर, हो सकता है ये सैंडविच आवाज नहीं करती हो। थिंक टैंक को यार फिर गुस्सा आ जाता है, वो कहता है, अच्छा तो तुम लोग ये कहना चाहते हो कि महान थिंक टैंक से कोई गलती हो गई है? बेचारे सारे लोग डर जाते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं सर, हम सुनना जारी रखेंगे। नूडल फिर से थिंक टैंक से कहता है, हे कुशाग्र बुद्धिमान सजीव, मुझे माफ कीजिए किंतु मेरे सिर में एक जानकारी उभरी है। ठीक है नूडल, उस जानकारी को बाहर निकालो और मुझे बताओ। मुझे याद आता प्रतीत होता है कि पृथ्वीवासी इस सैंडविच को सुनते नहीं थे, उन्हें खोलते थे और देखते थे। कप्तान ओमेगा, ये सैंडविच कानों के संचार के लिए नहीं है बल्कि देखने के संचार के लिए है। कप्तान ओमेगा, उस बड़ी सी रंगीन सैंडविच को उठा के लाओ, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। ओमेगा यार मदर गूज नाम का एक किताब उठाती है और उसे खोल कर देखने लगती है। ऐसा लगता है इसमें पृथ्वीवासी की तस्वीर है। फिर आयोटा कहता है, ऐसा लगता है कि यह किसी प्रकार का कोड है। क्या कोड? मैंने तुम्हें बोला था ना, ये किताब मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। कोड का वर्णन करो, मतलब कि कोड को डिस्क्राइब करो। सर्जेंट उपियर उसको डिस्क्राइब करता है, ये छोटी लाइनें हैं, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं, बिंदु हैं, और ये तस्वीर के साथ साथ हजारों की संख्या में हैं। थिंक टैंक कहता है, शायद पृथ्वीवासी इतने पिछड़े हुए नहीं है जितना कि हम सोच रहे थे, हमें इन सारे कोड को तोड़ना होगा। नूडल यार फिर से थिंक टैंक से कुछ कहता है, माफ कीजिए सरकार, परंतु क्या रसायन विभाग ने हमारे अंतरिक्ष के लोगों को अपनी बुद्धि बढ़ाने वाली विटामिन नहीं दी थी? फिर थिंक टैंक यार कैप्टन ओमेगा वगैरह से कहते हैं, रुक जाओ, मेरे दिमाग में एक भव्य विचार आया है। अंतरिक्ष के लोग, हमारे रसायन विभाग ने तुम्हें भी एक बुद्धि बढ़ाने वाली विटामिन दी थी, उन्हें तुरंत खा लो और सैंडविच को देखो, कोड का अर्थ तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। फिर ओमेगा कहती है, हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, चालक दल अपना विटामिन निकालो। सभी लोग यार बेल्ट में खोसे हुए विटामिन को निकालते हैं, जल्दी से अपने हाथ में लो। सभी लोग यार हाथ में लेते हैं, चलो अब खा जाओ। सब लोग यार खा जाते हैं, उनकी आंखें चौड़ी हो जाती है, सर हिलने लगता है और वो अपना एक हाथ सर पर रख लेते हैं। थिंक टैंक कहता है, बहुत अच्छे, अब जल्दी से उस कूट संदेश का प्राचीन लिपि का अर्थ मुझे निकाल कर दो। सभी लोग एकदम जोश में कहते हैं, हाँ सर बिल्कुल हम लोग ऐसा ही करेंगे। ओमेगा एकदम पूरा खुश होते हुए, आहा। आयोटा भी पूरा खुश हो गया यार, उप फिर थिंक टैंक कहता है, अबे तुम लोग आहूं क्या कर रहे हो, ये क्या कह रही है तुम, मुझे जल्दी से बताओ। कैप्टन ओमेगा तुम मुझे तुरंत बताओ, मुझे हू बहू एकदम सुनना है। ओमेगा एकदम गंभीर रूप से पढ़ती है, श्रीमती मैरी बड़ी विचित्र बात है, तुम्हारा बगीचा कैसे बढ़ता है,
इन फूले हुए खोलो और चांदी की घंटियों के साथ और प्यारी लड़कियां सभी एक पंक्तियां में हैं। ये उस बुक की छोटी सी एक पोयम थी। ऊपियर हंसते हुए कहता है, हा, 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 इसकी कल्पना करो, सुंदर परिया बाग में उगती है। थिंक टैंक एकदम चौंक जाता है। रुको, ये मजाक का समय नहीं है। क्या तुम्हें इस खोज की गंभीरता का एहसास नहीं है? पृथ्वीवासी यह खोज चुके हैं कि एग्रीकल्चर और माइनिंग एक साथ कैसे किया जाए। वो लोग वास्तव में चांदी जैसी धातुओं को उगा सकते हैं। वो बहुत बड़े विस्फोटक पदार्थ भी उगा सकते हैं। नूडल, आक्रमण दलों से संपर्क करो। नूडल कहता है, महाराज वो पृथ्वी पर जाके कब्जा करने के लिए तैयार हैं। उन्हें रुकने के लिए कहो, उन्हें बताओ कि हमारे पास पृथ्वी के बारे में एक नई सूचना आई है। आयोटा, आगे बताओ। आयोटा कहती है, ठीक है सर, मैं बता रही हूँ। और वो अगला पोम पढ़ती है। हे देखो देखो, वो बिल्ली और सारंगी गाय चंद्रमा पर उछलकर चढ़ गई। छोटा कुत्ता ऐसे खेल देखकर हंसने लगा और थाली चम्मच के साथ भाग गई। ऊपिया फिर से हंसता है और कहता है, क्या थाली चम्मच के साथ भाग गई? हंसना बंद करो, ये और भी सचेत करने वाली बात है। पृथ्वीवासी सभ्यता से ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं। क्या तुमने सुना नहीं, उन्होंने अपने पालतू जानवरों को म्यूजिक कल्चर और स्पेस टेक्निक सिखा दी है। यहाँ तक कि उनके कुत्ते भी मजाकिया स्वभाव वाले हैं। नूडल, आक्रमणकारी बेरे को सूचित करो, आज कोई आक्रमण नहीं होगा, क्योंकि इस समय वे शायद लाखों गायों की मदद से आक्रमण कर रहे होंगे। उप, तुम मुझे अगली कूट संदेह हु बहु पढ़ के बताओ। उप कहता है, हाँ सर, मैं आगे पढ़ता हूँ। हम्प्टी डम्प्टी दीवार पर बैठे थे, हम्प्टी डम्प्टी बुरी तरह गिरे, राजा के सभी घोड़े और राजा के सभी आदमी, दोबारा हम्प्टी डम्प्टी को एक साथ नहीं रख सकते। ओह देखो सर, ये हम्प्टी डम्प्टी की तस्वीर है। वो यार थिंक टैंक को दिखाता है। क्यों सर, वो दिखता है, वो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है। थिंक टैंक एकदम से चीखते हुए कहता है, यह मैं हूँ, यह मेरा बड़ा शक्तिशाली दिमाग है। पृथ्वीवासी मुझे देख चुके हैं, वो मेरे पीछे लगे हुए हैं। बुरी तरह गिरे, इसका मतलब है वे मंगल केंद्र कंट्रोल और मुझे पकड़ने की योजना बना रहे हैं। यह मंगल पर एक हमला है। नूडल, जल्दी से मेरे लिए एक अंतरिक्ष कैप्सूल तैयार करो, मुझे बिना किसी देरी के बचना होगा। अंतरिक्ष के लोगों, तुम पृथ्वी को छोड़ दो, तुम पृथ्वी पर से भाग जाओ, और ध्यान रहे कि कोई भी सबूत नहीं छोड़ना। जल्दी भागो भागो, पृथ्वीवासी को यह पता नहीं लगना चाहिए कि मैं जानता हूँ। ओमेगा, आयोटा या ऊप, पुस्तकों को अलमारी में वापस रख दो, जल्दी भागो भागो। फिर नूडल पूछता है, सर हम कहाँ जाएंगे? मंगल ग्रह से कई सौ लाख मील दूर। आक्रमणकारी बेरे को संपूर्ण मंगल खाली करने का आदेश दो। हम अल्फा सेंचुरी की तरफ 100 मिलियन मील दूर जा रहे हैं। ओमेगा, आयोटा और ऊपियर बाहर भाग जाते हैं और नूडल या थिंक टैंक को बाहर निकालने में मदद करता है। और तभी यार पर्दा गिर जाता है, मतलब कि शो जो है वो समाप्त हो चुका है। इतिहासकार मुस्कुराते हुए कहती है, तो देखा आपने किस तरह से नर्सरी क्लास की कविताओं की एक धूल भरी किताब ने हमारे पृथ्वी को मंगल ग्रह के लोगों से बचा लिया। कैसे वो लोग इस किताब को पढ़ के डर गए और पृथ्वी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के भाग गए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस घटना के 500 वर्ष बाद यानी कि आज 25वीं शताब्दी में हमने फिर से मंगल ग्रह के लोगों से अपनी मित्रता को कायम किया। हमने मंगल ग्रह के लोगों से अपने अच्छे संबंध बनाए और आज विशाल और महान थिंक टैंक को एक चतुर मंगलवासी के द्वारा बदल दिया गया। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वो समझदार और आश्चर्यजनक नूडल ही है। ओह हाँ, हमने मंगलवासी को सैंडविच और पुस्तक के बीच में क्या अंतर है ये भी समझाया, उन्हें पढ़ना सिखाया और मार्सपोलिस के राजधानी में एक आदर्श पुस्तकालय की स्थापना भी की। वो कहना चाह रही है कि हम लोगों ने यानी कि हम पृथ्वीवासी ने यह मार्स पर जाकर एक लाइब्रेरी क्रिएट किया और वहाँ पर कुछ बुक्स डाल दिए गए। किंतु जैसा कि आप शायद आशा करते होंगे कि आज भी एक किताब ऐसी है जो मंगलवासी कभी भी अपने पढ़ने के लिए नहीं ले गए। जी हाँ, वो किताब है मदर गूज। इतिहासकार थोड़ा सा झुकती है और दाईं ओर से बाहर निकल जाती है। पर्दा गिरता है और चैप्टर खत्म हो जाता है। हाँ भाई, फाइनली चैप्टर खत्म हो गया यार। राइटर ने इस कहानी को यार एक मजाकिया ढंग से लिखा है और एक पॉजिटिव वे में लिखा है कि अर्थ की जीत हुई। तो तुम भी अपने एग्जाम्स को लेकर पॉजिटिव रहो, जो होगा अच्छा होगा। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है ना, तो शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने स्कूल ग्रुप में शेयर करो, जहां मन कर रहा वहां शेयर करो। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है, मुझसे बात करना है तो। और अगर तुमने अपने भाई के चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब मारो यार, फ्री का है, कर लो। चलो तो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।